पेश है आपके लिए एशिया की सबसे ज़्यादा लग्जरी डबल डेकर बस। बाकी डबल डेकर बस है तो आप समझ ही सकते हैं कि ऊपर बैठ के आपको बहुत ही ज़बरदस्त व्यू मिलने वाला है। एंड 2 किलोमीटर कवर करने के लिए हमको 1 घंटा लग गया। बस जो है ना मेरे को A1 लगी। वेलकम ऑन बोर्ड एशियाज मोस्ट लग्जरियस डबल डेकर बस फ्रॉम द हाउस ऑफ सुहाग प्रेस्टीज ढाका टू चिटागोंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। देवी और सज्जनों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवरिंग बांग्लादेश सीरीज़ के एपिसोड नंबर 12 में आपका स्वागत है। पेश है आपके लिए एशिया की सबसे ज़्यादा लग्जरी डबल डेकर बस, आई कैन ऑल्सो से द मोस्ट लग्जरियस बस ऑफ बांग्लादेश। एंड ये जो ऑपरेटर है ना सुहाग परिवहन, ये भी मेरे को बहुत अच्छे लगे। मतलब आई फील दे आर द बेस्ट इन बांग्लादेश। ये जितने प्रोफेशनल है, ये जितने रेप्यूटेड है, उतना अच्छा कोई नहीं है। लास्ट टाइम जब मैं बांग्लादेश आया था और इसका मैंने जब वीडियो बनाया था तब वो वीडियो खूब चला था, लगभग 1 मिलियन व्यूज़ उस पर आए थे। तो अब की बार मैं फिर से हाजिर हूँ राजधानी ढाका में। आज की हमारी जर्नी रहने वाली है फ्रॉम ढाका टू चिटागोंग। चिटागोंग आपका पड़ जाता है बांग्लादेश के एकदम थोड़ा सा साउथ ईस्टर्न पार्ट में। मैप पर मैं मार्क कर दूँगा। एंड जर्नी रहने वाली है बहुत ही कमाल की जर्नी रहने वाली है इस वाले बस में। ये बस की चेसिस है स्कैनिया की एंड इसका जो बॉडी बनाया है वो बनाया है इंडोनेशियन कंपनी लग्जाना ने। इम्पोर्टेड बस है बेसिकली बोल सकते हैं। एंड इंडोनेशिया इज़ द हेवन फॉर बसेस, तो कोई डाउट नहीं है कि वो बस इन्होंने कितना अच्छा बनाया है। आई रियली लव लग्जाना कंपनी। एनीवेज ये मेरी बस नहीं है, ये 8:30 बजे जा रही है, मेरी बस है 9:30 बजे की। एंड फिलहाल मैं हूँ ढाका के मालीबाग में, यहीं से बस चलेगी, यहीं पे सुहाग का मेन ऑफिस है और साथ ही साथ पैसेंजर लाउंज बना हुआ है जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। चलता हूँ एक बार आपको लाउंज दिखा देता हूँ। बाकी डबल डेकर बस है तो आप समझ ही सकते हैं कि ऊपर बैठ के आपको बहुत ही ज़बरदस्त व्यू मिलने वाला है। ये आ गए अपन सुहाग के लाउंज में, एसी लाउंज है पूरा। एंड कितने प्रोफेशनल है वो आप समझ जाएंगे अभी। सबसे पहले जो है यहाँ पे देखिए, अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो प्रिंटिंग के लिए जो एक सेल्फ सर्विस मशीन है, मतलब जस्ट लाइक द कियोस्क इन एयरपोर्ट, आपको काउंटर में लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एंड ऑनलाइन टिकट यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। फिर एज़ यूजुअल बस का जो सीट मैप है वो सब रखा रहता है। अपर डेक में आई थिंक 34 सीट्स है, जिसमें मेरा सीट ये है आज। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा लाउंज बना हुआ है। बैग वैग तो मैंने अभी अंदर रखा है। यहाँ पे आपने देखा कि सब माइक वाइक में अनाउंसमेंट हुआ, अगर आप बैठे हैं तो माइक वाइक में अनाउंस हो जाएगा कि आपका कोच नंबर क्या है एंड आपकी बस जो है आ चुकी है। और इनके पास जो है वायरलेस ऐसे वॉकी टॉकी भी है जिसमें ये लोग बात करते हैं सुपरवाइजर्स वगैरह से कि बस आई है नहीं, कितनी देर और लगेगी, बोर्डिंग चालू करो कि नहीं। तो ये तो बोलना ही पड़ेगा कि ऑपरेटर तो ज़बरदस्त है। एनीवेज लग्जरी बसेस की बात करें जो मुझे सबसे लग्जरी लगी अभी तक, एक तो देखिए मैंने थाईलैंड में जर्नी की थी इस वाले वीडियो में, तो वो बस भी मेरे को काफ़ी लग्जरी लगी थी। एंड इंडिया में एक एक्सपो के लिए वॉल्वो ने एक स्पेशल बस बनाई थी 1x1, वो बस बहुत ज़बरदस्त थी। मतलब वो अगर ऑन रोड होगी ना तो मैं कह सकता हूँ कि एशिया की सबसे लग्जरी बस इंडिया में होगी। वो बस की मैं फोटो भी दिखा देता हूँ, बट वो आई डोंट थिंक सो कि कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए है। 1x1 बस है एकदम, जो उसमें फुल फ्लैट बेड रिक्लाइनर्स है, साथ में जो है सबके पास पर्सनल टीवी है, पैंट्री है, टॉयलेट है। यार वो बस बस एक बार रोड में आ जाए और कुछ नहीं चाहिए। एनीवेज टिकट जो है कुछ इस तरह से एक बुकलेट में बेसिकली दिया है इन्होंने। एंड कंपनी इतनी बड़ी है ना कि इनका खुद का जो है एक पेट्रोल वाला यूनिट है, पेट्रोल या जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, ये मेरी टिकट है ऐसे प्रिंट करके इन्होंने दिया है। एंड रिसेंटली जो है इन्होंने ना बोरीशाल वाली सर्विस भी चालू करी पौधा क्षेत्र खुलने के बाद। ये पौधा क्षेत्र बनने के बाद ना ट्रैवल करना बहुत आसान हो गया। यहाँ पे देखिए बोर्डिंग वगैरह चल रहा है एंड वो सुपरवाइजर जो है वायरलेस लेके कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो काफ़ी प्रोफेशनल लगा मेरे को सुहाग परिवहन। चलो जी अनाउंसमेंट हो रहा है, गाड़ी हमारी आ गई, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब बस की तरफ देख के एक अलग फील आ रही है। तो एनीवेज दिस इज़ आवर बस। पीछे जो है आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, एक तो देखिए स्कैनिया लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है लग्जाना जो कि इंडोनेशियन कंपनी है। एंड मॉडल है SR2 डबल डेकर। पीछे CCTV कैमरा है एंड ये जो है इसका इंजन और एयर कंडीशन है, इंजन तो रियर ही होगा। एनीवेज जो बस की डिक्की है वो यहाँ पे अक्सर नीचे होती है मगर अभी हो नहीं सकता क्योंकि ये डबल डेकर बस है। डबल डेकर बसेस में डिक्की जो है यहाँ पे होती है, तो इसको वो खोलेंगे। हाँ हाँ हाँ
एकदम प्रोफेशनल ऑपरेटर, यहाँ पे जो टैग उन्होंने स्टेपल कर दिया। एनीवेज बस को बोर्ड करते हैं बहुत ही जल्द, और सामने से भी देख सकते हैं बस को जिस तरह से है, जो सीट मेरा है वो ऊपर कहीं होगा। एंड इसके जो लुक्स है, इसकी जो लाइटिंग है वो भी मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। हालांकि आज तो दिन की जर्नी होने वाली है, पता नहीं लाइट दिखा पाऊंगा कि नहीं। थैंक यू। तो सबसे पहले जो है इसमें एक लोअर डेक है, जिसमें एक इसमें स्लीपर सीट है। ये स्पेशल सीट है बहुत ही ज़्यादा, अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्ट चाहते हैं इस पे जा सकते हैं। हाँ जानी जानी। एंड लोअर डेक में जो एक एक्स्ट्रा डोर है, एंड यहाँ पे जो एक फ्रिज है, एंड फ्रिज दे रखा है, बहुत ही अच्छी बात है। तो सीट्स इसमें जो आपको 2x1 वाले मिल जाते हैं, एंड सीट्स की आप विड्थ देख के समझ सकते हैं कि सीट्स काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि जो लेग रेस्ट है वो थोड़ा छोटा है, बट हाँ ओवरऑल सीट्स आर रियली रियली अमेजिंग। चलते हैं, दिस इज़ अ प्रीमियर सीट, थोड़ा फर्स्ट क्लास ऐसा फील आता है। एंड यहाँ पे जो है इस बस का केबिन। वालेकुम अस्सलाम मामा, हमें कोलकाता तक। हाँ ट्रेन, हाँ बोल भी सकता, लिख भी सकता। बहुत ही बढ़िया। कितने साल से है सुहाग में? यहाँ मैं 22 इयर्स वोल्वो ओपनिंग। अच्छा वोल्वो ओपनिंग, हनीफ से है सुहाग से? नहीं सुहाग में। अच्छा अच्छा। हाँ प्रीमियम ये ई लाया था, इसका मैं V9R प्रीमियम आया था। अच्छा अच्छा। फिर आया एलीट, फिर आया प्रेस्टीज। अच्छा प्रेस्टीज, ये तो अच्छा लगा मेरे को बहुत। नाम क्या आपका मामा? मेरा सईद, मोहम्मद सईद। अच्छा ढाका से ही रहते हैं? ढाका में रहते हैं, मीरपुर में। अच्छा अच्छा ठीक है, मीरपुर में। और बस बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं? मतलब एकदम मस्त है। A1 is Kenya is the best in the world। अच्छा बिल्कुल, खूब अच्छा गाड़ी, the 10 years इंजन जाता है इसका। हाँ 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 समझ गया, ये बहुत ही बढ़िया बस, आपकी बस बहुत अच्छी लगती है मेरे को। आपको चिटियांग तक जाना है? हाँ हाँ हाँ, दाम पर ठीक आता हूँ मामा। हाँ थैंक यू मामा। तो आते हैं अब सेकेंड डेक पे, अपर डेक पे। अपर डेक पे जो है 34 सीट्स है टोटल, एंड मल्टी एक्सल गाड़ी है तो लंबी है। देखिए आपके कंफर्ट का जो यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, यहाँ पे कोई भी दूसरा ऑपरेटर 4 सीटें लगा देता आराम से, बट इन्होंने जो है यहाँ पे 3 ही रखी, और ब्लैंकेट्स वगैरह के जो अरेंजमेंट्स है। तो जो आपके ओवरहेड स्टोरेज है वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे फ्लाइट्स में होते हैं ना खुलने बंद होने वाले, हाइड्रोलिक वाले हैं। तो ये चीज़ भी मेरे को बहुत अच्छी लगी, लाइटिंग भी बहुत अच्छी लगी। पता नहीं इंडिया में वॉल्वो या स्कैनिया ये जो बिन से ये क्यों नहीं देते, क्योंकि मैंने देखा है कि पहाड़ों पे जब बस चलती है ना, ऐसा यहाँ से सब सामान लोगों के सर पे गिरता है, लाइव देखा है मैंने, सच बता रहा हूँ। आगे चलेंगे मेरी सीट की ओर। पिछली बार तो मैं यहाँ पे कोई सिंगल सीट में बैठा था, मगर आज जो है मैं आगे बैठा हूँ। तो ये मेरी सीट है, प्रोबेबली दिस E2। यहाँ पे AC के वेंट्स बहुत सारे, ऐसा लग रहा है गर्मी तो लगेगा ही नहीं। 1, 2, 3, 4 उधर भी है कुछ। एंड सेफ्टी के लिए CCTV कैमरा है, यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा है। क्योंकि धूप आएगी ना इसलिए इन्होंने ये मिरर जो है थोड़ा टिंटेड रखा है, वरना पूरा क्लियर व्यू मिलता। अच्छा सर जो है ना ऊपर लग जा रहा है, क्योंकि डबल डेकर बस है, थोड़ा ना यहाँ पे कम क्लियरेंस ही रहता है, बट ठीक है। कौन सा हमको खड़े होके जाना है, और सीट्स कितनी कंफर्टेबल है ये आप देख लीजिए, कितनी रेक्लाइन होगी देख लीजिए बस। हाँ बढ़िया लग रहा है, सही है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है। और जो इसके पुशबैक वाले बटन्स हैं ना वो यहाँ पे ऐसे हाथ के नीचे ऐसे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे दो बटन्स है, एक पुशबैक के लिए और एक जो है लेग रेस्ट के लिए। बाकी अमेनिटीज आपको बताइए, पानी बॉटल होल्डर, सीट पॉकेट्स है। बट हाँ पिछली बार जब मैं आया था ना सीट्स पूरे चमचमाती ब्लू थी, अब जो है थोड़ी ब्लैक हो गई। आई थिंक इनको कवर करके रखना चाहिए। बाकी तो कर्टन्स वर्टन्स है आपको बताइए सारा। यहाँ पे जो है सब AC के वेंट्स है, अटेंडर कॉलिंग बटन है, एंड रीडिंग लैंप्स है, रीडिंग लैंप्स तो बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट्स। बस जो है ना मेरे को A1 लगी। वेलकम ऑन बोर्ड एशियाज मोस्ट लग्जरियस डबल डेकर बस फ्रॉम द हाउस ऑफ सुहाग प्रेस्टीज, ढाका टू चिटागोंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा सुबह के 9:30 बज रहे हैं, डिपार्ट करने से पहले सुहाग के फ्लीट के बारे में बता देता हूँ। जो इनकी लग्जरी फ्लीट है उनमें सब स्कैनिया है, पता नहीं इन्होंने स्कैनिया को प्रेफर क्यों करा है। एंड स्कैनिया अगर बांग्लादेश में कोई लाता है तो वो सुहाग ही लाता है, मतलब कोई और ऑपरेटर स्कैनिया नहीं ला सकता, यही जो है बल्क में ला के बाकी ऑपरेटर्स को बेचते हैं, ऐसा ही मैंने सुना है। एंड लग्जरी सेगमेंट में जो है इनके पास टोटल डबल डेकर 10 बस है ये वाली, बाकी सब जो है या तो बाई एक्सल सिंगल डेक स्कैनिया है या फिर मल्टी एक्सल सिंगल डेक स्कैनिया है। तो ये जो नंबर है टोटल 50-60 के पास है लग्जरी बसेस का, एंड मोर ओवर जो है 100 इनके पास नॉर्मल बसेज है, ऑर्डिनरी नॉन AC। एंड एक बस सिर्फ अच्छा दिखने में हुआ, अच्छा बैठने में हुआ तो नहीं चलता, बस अच्छा चलना भी पड़ता है, वो देखते हैं हाईवे में जाके। सुबह के 9:30 हो रहे हैं, निकल
500 ml पानी का बॉटल मिल चुका है जो कि आपके टिकट प्राइस में इंक्लूडेड है। जो लोग भाई मुंबई की ट्रैफिक की शिकायत करते हैं, देख लो भाई ढाका का हाल। लास्ट आधे घंटे में हम 2 किलोमीटर भी नहीं आ पाए। फाइनली जो है सुबह के 10:30 बज गए, हम पिकअप करने आए हैं आरामबाग पे, एंड 2 किलोमीटर कवर करने के लिए हमको 1 घंटा लग गया। सुबह के जो है 11 बज रहे हैं एंड फाइनली आके पहुंचे हाईवे पे इतने ट्रैफिक के बाद। ये है N1 हाईवे ऑफ बांग्लादेश एंड ये ढाका से चिटागोंग कॉक्स बाजार होके टेकनाफ तक जाती है। बाकी अभी सुपरवाइजर जो है अनाउंस कर रहे थे माइक पे कि वेलकम ऑन रोड वगैरह, एंड डिस्टेंस होने वाला है कुछ 250 किलोमीटर। अच्छा, इस वाले 250 किलोमीटर के लिए मैंने पे किया है 1600 बांग्लादेशी टाका, मतलब सोचिए 250 किलोमीटर के लिए लगभग 1300 रुपये, 5 रुपये पर किलोमीटर, मतलब प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा है। कम्फर्ट है आई नो, बस बहुत अच्छी है आई नो, बस बहुत कॉस्टली आई नो, बस बहुत लग्जरी आई नो, बट फिर भी आई थिंक फेयर जो है काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे। यूजुअली हमारे 250 किलोमीटर के लिए जो है 500-600 रुपये लगते हैं, तो फेयर जो है ना जस्ट डबल है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ढाका डिवीजन को चिटागोंग डिवीजन से जोड़ता है, और फिलहाल हम आ गए हैं दौदकंदी पे। पता है तो यहाँ पे आपने देखा साइड में पुलिस ने टोटल 4-4 गाड़ियों को पकड़ा है ओवर स्पीडिंग के लिए, उनके पास जो है स्पीड गन है। और रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया था ढाका से बोरीशाल, तब भी मैंने देखा कि बहुत जगह जो ये स्पीड कैमरा लेके खड़े, मगर मज़े की बात ये है कि स्पीड कैमरा सिर्फ दिन की रोशनी में काम करता है, रात को जो ये काम नहीं करता। दोपहर के 12:15 हो रहे हैं, हमने क्रॉस किया है चादीना एंड लगभग हम 90-100 किलोमीटर जो है कवर कर चुके हैं। बाकी बस तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, मतलब चलने में भी एकदम स्मूथ है, इसके जो लुक्स है वो भी बहुत अमेजिंग है, एंड कंफर्ट तो चलो मैंने आपको दिखाई दिया। बाकी जो कुछ डिटेल्स है ना बस के बारे में, कॉस्टिंग वगैरह बोलिए या जो भी कुछ और डिटेल्स हैं, वो मैं आपको सीधा रेस्ट स्टॉप पे जाके बताऊंगा। गाइस पहुंच गए हैं कुमिल्ला कैंटोनमेंट। यहाँ पे दोनों तरफ जो है आप कैंटोनमेंट एरिया देख सकते हो आर्मी का, एंड ऐसा है कि दोनों साइड एरिया है तो रोड के नीचे से भी जो है उनका कनेक्शन रहता है इधर से उधर सामने। हाँ अच्छा, नीचे से जो है यहाँ पे कनेक्शन रहता है इधर से उधर जाना होगा तो। एंड ऑल्सो दिस इज द लार्जेस्ट कैंटोनमेंट एरिया ऑफ बांग्लादेश। अंडरपास, ये जो अंडरपास है ना इसकी मैं बात कर रहा था कि नीचे से जो है आप जा सकते हो। अभी हमने जस्ट क्रॉस किया है कुमिल्ला, एक फेमस डेजर्ट है रसमलाई जो कि आप सभी को पसंद होगा, तो उस रसमलाई का जो इन्वेंशन है वो कुमिल्ला में हुआ था इन दी अर्ली 19th सेंचुरी। पहले जो ये त्रिपुरा के अंडर आती थी तो त्रिपुरा के जो घोष कम्युनिटी है उन्होंने ये बनाया था। दूध गर्म कर रहे थे, खीर बना रहे थे बेसिकली, तो उन्होंने जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए एक रसगुल्ला डाल दिया, तो वहीं से इन्वेंशन हुआ रसमलाई का।
और यहाँ पे जो है बहुत फेमस दुकान है उस चीज़ के लिए, तो अगर आप आ रहे हैं ना तो ट्राई करे बिना जाना हो। दोपहर के जो 1 बज रहे हमने लिया अपना लंच ब्रेक। इस वाले रेस्टोरेंट पे मैं पहले भी आ चुका हूँ जब मैं इनके साथ ट्रैवल कर रहा था, एंड अभी जो है दोनों गेट खोल दिए इन्होंने ताकि आराम से जो है सब लोग उतर सकें। बाकी बस जो है आपको पता होगा कि मल्टी एक्सल है, 15 मीटर की लेंथ है, एंड ये जो एक्सल है ना ये स्टीयरेबल है, मतलब सामने वाले के साथ सिंक्ड है ताकि छोटे डिस्टेंस में जो ये टर्न हो सके, बेसिकली छोटा टर्निंग रेडियस हो ताकि। और लास्ट टाइम जब मैं बांग्लादेश आया था ऐसे रेस्टोरेंट्स में मैं सिर्फ और सिर्फ ये बर्गर वगैरह या कुछ फास्ट फूड खा रहा था, जो कि मैं इस बार तो नहीं कर रहा। इस बार मैं प्रॉपर दाल चावल खा के जो है आपको रिव्यू दे रहा हूँ। चलते हैं अंदर, देखते हैं खाने पीने को क्या है। वैसे जो सबसे बढ़िया बात मेरे को लगती है ना वो ये है कि ये जो गेट है ये बंद रहता है ताकि जो भी सामान वामान हो वो सब सुरक्षित है, मतलब मेरा अगर अंदर बैग पड़ा है लैपटॉप पड़ा है तो कोई चिंता की बात मुझे नहीं है। यानी गेट जो है 20 मिनट के बाद अटेंडर ही आके खोलेंगे। बाकी आज के जो हमारे कैप्टन है ना उनसे बात करके बहुत मज़ा आ रहा है, वो सिंगापुर वगैरह भी गए एंड मतलब उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, समझते हैं कि रोड पे क्या करना है क्या नहीं, वो सब कुछ जानते हैं बसों वसों के बारे में, बहुत ही नॉलेजेबल है बेसिकली, काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है उनसे। एनीवेज चलते हैं, भूख भूख लग रही है, लंच करते हैं। तो जी खाना मेरा आ चुका है एंड इस रेस्टोरेंट में वापस से दाल चावल ये सब के ऑप्शन हैं, साथ ही साथ फास्ट फूड भी है, मगर एज सेड फास्ट फूड मैं इस बार नहीं खाऊंगा। तो मैंने ले लिया राइस, साथ में चिकन झाल फ्राई, एक बहुत ही बढ़िया डिश लग रही है मेरे को देख के, कुछ इस तरह का है, 3-3 जो है छोटे छोटे पीस है चिकन के, एंड साथ में जो है सैलेड, इसमें जो है खीरा और मिर्ची है। तो यहाँ पे अपना सिंपल सा खाना, दाल चावल और चिकन। सैलेड में जो है एक तो प्याज मिसिंग है और दूसरा वो गोंदूरस लेबू जो लेते हैं ना सिग्नेचर, वो मिसिंग है। चिकन भी मैं ट्राई कर लेता हूँ। चिकन झाल फ्राई थोड़ा अलग प्रिपरेशन है, और ग्रेवी देख के मेरे को लग रहा है ना इसके अंदर जो है काजू वाजू का पेस्ट डाला हुआ है, जैसे चिकन चाप बनता है ना एग्जैक्टली वैसे ही, बट चिकन के पीस बहुत छोटे हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइस, प्राइस बहुत ज़्यादा है। यू नो 240 में जो है 5-6 बड़े बड़े पीस चिकन आ जाते हैं, इन्होंने जस्ट 3 छोटे छोटे पीस दिए। एनीवेज इनका जो है अपना स्वीट शॉप भी है जहाँ पर रसमलाई वगैरह मिलता है, तो लंच कम्प्लीट करने के बाद ना वो ट्राई ज़रूर करेंगे। रसमलाई मेरे को टेस्ट करना, तो उन्होंने बोला कि 1 kg के नीचे नहीं होता, मतलब 1 kg का ही रहता है। यहाँ पे बांग्लादेश में मैंने ये चीज़ देखी कि मिठाई जो है पर kg मिलता है, ऐसा नहीं कि आप 200 ग्राम पैक करा लो, 250 ग्राम पैक करा लो या एक पीस खा लो, वो नहीं चलता। ये मेरे को बुरा ही लगा, ये कालो जाम है मगर ये भी इतना अच्छा नहीं है। और यहाँ पे रेस्टॉप की जो सबसे अच्छी बात है वो ये रहता है कि माइक रहता है, मतलब बेसिक जगह पे, ताकि अगर बहुत सारी बसें खड़ी हो ना तो उस बस का जो सुपरवाइज़र है वो आके बोल सके कि आपकी गाड़ी चलने वाली है, तो मान लो कोई खाना वाना खा रहा है उसको एटलीस्ट पता लग जाएगा कि हाँ मेरे को बुलाया गया है। ये दोनों जो इनके सिस्टम है ना, एक ये गेट लॉक करने वाला और एक ये माइक वाला, ये सिस्टम मेरे को थोड़ा प्रोफेशनल लगा। डूबे जाए पीछे नहीं खाओ, डूबे बांग्लादेश बॉर्डर के काफ़ी पास है जो कि त्रिपुरा से है, मतलब एकदम नज़दीक है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। और बस के बारे में बात करें, देखिए स्कैनिया की चेसी तो स्वीडन से आती है, जो बॉडी बनाई है वो इंडोनेशिया में,
एंड जो एयर कंडीशन है वो US बेस्ड कंपनी की है थर्मल केयर, एंड जो चेसी है दैट इज K410 410 हॉर्स पावर की चेसी है, अराउंड यू कैन से 12,000 cc। बाकी बस तो बहुत ही बढ़िया है। एंड स्कैनिया में आपको पता है कि मैनुअल ट्रांसमिशन वैसे तो नहीं होता, लेकिन ड्राइवर जो उसको ओवरऑल कर सकता है। ट्रांसमिशन जो है बाय कंप्यूटर ही होता है, लेकिन आप अगर अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपके पास है। एनीवेज मैं फ़िलहाल थोड़ा सा पीछे आया हूँ जस्ट टू चेक कंफर्ट कैसा है पीछे। ठीक ही है, इंजन का साउंड ज़्यादा नहीं है, हल्की हल्की वाइब्रेशन है, जो कि मैं मानता हूँ कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से बॉडी बनता तो नहीं होता, बट हाँ लक्सना काम बहुत अच्छा करता है डेफिनेटली। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में, 3-4 सालों में, वॉल्वो भी अपना जो 9800 डबल डेकर का मॉडल है ना वो इंडिया में लेके आए। बाकी बात करें बस की कॉस्टिंग की, इस बस का जो प्राइस है दैट इज़ 3,60,00,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मतलब चेसी का कॉस्ट, उस पर जो इम्पोर्ट करने का कॉस्ट आया वो, फिर लग्जना में बॉडी बनाने का, फिर पूरा बस इम्पोर्ट करने का, फिर टैक्सेस वगैरह, मतलब सब कुछ मिला के 3,60,00,000। दो वॉल्वो मल्टी एक्सल आ जाएंगे 9600। बस मेरे को एक चीज़ लगी, ये जो लेगरेस्ट है ना वो थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा और बड़ा होता तो आई थिंक थोड़ा मज़ा आता। सो इसमें जो है हर सीट में ना बेल्ट दिए हुए हैं, हर सीट में। चिटागोंग ज़्यादा दूर नहीं है, और मैंने आपको कभी भी टाइम लैप्स नहीं दिखाया जर्नी का, बस जर्नी का, तो आप भी टाइम लैप्स एंजॉय करिए। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, चिटागोंग या चोटोग्राम जैसा आप बोलना चाहे। और इसका जो ड्रॉपिंग पॉइंट है लास्ट, दैट इज़ दामपाड़ा, और वहीं पे सब ट्रैवल्स के काउंटर्स है। और सुहाग का जो है ना दामपाड़ा में अपना प्राइवेट बस स्टैंड है। दिए थे लोअर डेक के इंटीरियर्स, नेक्स्ट टाइम अगर कभी ट्रैवल करेंगे ये वाला सीट ट्राई करेंगे, अच्छा है काफ़ी। एक बार आपको इसका कैबिन दिखा देता हूँ लास्ट। यहाँ पे जो है सब डोर वोर के, लाइट वाइट के कंट्रोल्स है, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम है, रियर कैमरा, हाँ हाँ रियर कैमरा, अच्छा हमने डिस्प्ले ओके, टीवी, हाँ चार्जर स्विच, एटा झिकझक लाइट, ओके झिकझक लाइट है, राते राते जेटा जला, हाँ ओके ओके। सो यहाँ पे आप लाइट्स का खेल देखिए, लाइट्स का खेल बहुत अच्छा है। एंड ये सेम लाइट जो एक बाहर भी है जो कि मैंने लास्ट टाइम देखा था, ये देखिए लाइट्स का कलर चेंज हो गया। बाकी स्कैनिया का डैशबोर्ड आपको पता है, कुछ टेक्निकल कंट्रोल्स उस तरफ है, बहुत अच्छा, हाँ हैंड ब्रेक वगैरह, ये डिफॉगर, ये स्क्रीन, ग्लास एयर हीटर, हाँ हाँ समझ गया, ओके ओके, ताकि फॉग ना जम जाए। तो ऑल राइट उतर चुका हूँ यहाँ पे, एस साइड की मामा बहुत ही अच्छे हैं, सब कुछ कंट्रोल वंट्रोल समझाया। तो जो बस का ओवरऑल रिव्यू है वही बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा है, हालांकि फेयर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, मतलब मैं अगर रेगुलर ट्रैवल करूँगा तो डेफिनेटली ये बस मैं नहीं ले पाऊँगा, मगर जो कभी कभार ट्रैवल करेंगे या एक बार ट्रैवल करेंगे उनके लिए बस बहुत ज़बरदस्त है, मतलब वो लोग एकदम खुश रहेंगे, अलग ही चीज़ है। एंड शोक परिवहन प्रोबेबली और बस ऐसे मंगवा रहा है। एनीवेज अभी जो है मेरे को होटल नहीं जाना, आराम नहीं करना, अभी जो है मेरे को स्टेशन जाना है, अपना मिताली का टिकट बनवाना है, वो इम्पोर्टेंट है, आज सुबह ढाका पे हो नहीं पाया, तो वो होने के बाद जो है फिर मैं किसी होटल में जाऊँगा, कल सुबह जाऊँगा रंगामाटी,
रामामेटी का टूर आपको कराऊंगा, जो लोग बोलते हैं कि कुछ घुमाते नहीं हो, रामामेटी का टूर होगा एंड देन चिटागोंग आके वापस से निकलूंगा ढाका के लिए इन विमान बांग्लादेश बोइंग 787। सो इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही, बस आपको मेरे चेहरे देख के पता चल गया होगा कि काफ़ी अच्छा लगा। साथ ही साथ मतलब बस भी ज़बरदस्त है, आज जो कैप्टन मिले वो भी बहुत ज़बरदस्त है। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधी आए बरसात हर मंगल शुक्र आपके साथ।